हाय गाइस, पोरीफेरा के सेकंड वीडियोस में हमारा आपका स्वागत है। आई होप आप लोगों को फर्स्ट पार्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट में हम लोग उन्हीं पॉइंट्स को आगे लेकर के बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जैसे बात कर ली थी बॉडी वॉल की, बॉडी वॉल जो है पोरीफेरा में दो वॉल उसमें होते हैं, एक होता है आउटर पिनाकोडर्म और इनर होता है कुवानोडर्म। आगे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे वाटर कैनाल सिस्टम की। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है गाइस कि वाटर कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन, ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन। अब वो रहेगा, वो आपको ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा, फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम कुछ भी डाल दीजिए, ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब क्या होता है अगर वाटर कैनाल सिस्टम आप जान रहे हैं, वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है हम फाइलम पोरीफेरा में क्योंकि आपने अच्छे से उसकी स्टडी की हुई है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, वहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इकाइनोडर्म दिया हुआ है, वहाँ पे आता है इकाइनोडर्म्स में वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन इकाइनोडर्म्स एंड वाटर कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन पोरीफेरेंस, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा गाइस कि वाटर कैनाल सिस्टम या फिर इसका एक और नाम है एक्वीफेरस सिस्टम। ये एक्वीफेरस सिस्टम गाइस ये भी वाटर कैनाल सिस्टम का ही नाम है, एक्वीफेरस सिस्टम। या तो क्वेश्चन आ सकता है एक्वीफेरस सिस्टम या फिर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वाटर कैनाल सिस्टम से। और थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज करने की बात हो जाएगी तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम से हो सकता है, इकाइनोडर्म दिया होगा तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसे ध्यान रखना है कि वाटर कैनाल सिस्टम इज़ फाउंड इन पोरीफेरा वेयर एज वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज़ फाउंड इन इकाइनोडर्मेटा। नाउ ये वाटर कैनाल सिस्टम का काम क्या है, ये काम करता है रेस्पिरेशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन, जो भी एक्टिविटीज़ हैं इसमें ये काम करता है। क्योंकि वहाँ पे अभी टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है गाइस, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा तब उसके लिए अलग अलग टिश्यूज़ बनेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे टिश्यू नहीं है, सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिल रहे हैं, क्वानोसाइट्स मिल रहे हैं, आर्कियोसाइट्स मिल रहे हैं, ट्रोफोसाइट्स मिल रहे हैं, अमीबोसाइट्स मिल रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, लेकिन कहीं भी उन्होंने ऑर्गेनाइज करके जो है टिश्यू का निर्माण अभी नहीं किया है। तो वाटर कैनाल सिस्टम ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन, वाटर कैनाल सिस्टम। ना बॉडी हम जान रहे हैं कि बॉडी उसकी पोरस होती है, बॉडी में बहुत सारे स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं। और देखिए स्मॉल पोर्स से बात आ रही है यहाँ पे ऑस्टिया, ठीक है, ऑस्टिया की बात आ गई है कि ये ऑस्टिया क्या है। तो ये इसके बॉडी वॉल में ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं जिसके द्वारा पानी इंटर करेगा स्पॉन्ज की बॉडी में, ये सारे पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टिया, ओके। ये सारे पोर्स जिसके द्वारा पानी इंटर करेगा, इनलेट ऑफ वाटर थ्रू ऑस्टिया, ठीक है, इट इज़ फॉर इनलेट ऑफ वाटर, वेयर दीज आर वेरी स्मॉल पोर्स, वेयर एज क्या है ये एक लार्जर पोर है, ये दोनों साइड होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो आपका ऑस्टिया है ये पूरी बॉडी में, पूरी स्पॉन्ज की बॉडी में पाया जाता है ऑस्टिया, ये स्मॉल पोर्स हैं। और एक लार्जर पोर है ये जिसको हम कहते हैं ऑस्कुलम, ठीक है, ऑस्कुलम, ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिट ऑफ वाटर, ये एंट्री ऑफ वाटर एंड दिस इज ऑस्कुलम फॉर एग्जिट ऑफ वाटर। तो बॉडी पोरस है, उसमें दो पोर्स हैं, पहला है ऑस्टिया जो कि न्यूमरस है, ज़्यादा है, और ये है रिस्पॉन्सिबल है इनलेट ऑफ वाटर के लिए, और एक लार्जर पोर है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं, ये ऑस्कुलम एक सिंगल होता है और ये आउटलेट ऑफ वाटर के लिए होता है, ठीक है। तो बॉडी पोरस हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन जो होता है वो फाइलम पोरीफेरा में डाइजेशन इंट्रा सेलुलर होता है। इसके लिए दो सेल्स इम्पॉर्टेंट है, क्वानोसाइट्स और अमीबोसाइट्स। यहाँ पे मैंने बताया था कि फ्लैजिलेटेड सेल्स पाए जाते हैं, अभी और हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में तो फिर बताएंगे। अंदर में जो क्वानोडर्म है, ठीक है ना, अंदर वाला जो लेयर है, आउटर लेयर है हमारा पिनाकोडर्म है, और ये अंदर वाला लेयर जो है क्वानोडर्म है,
यहाँ पे फ्लैजिलेटेड सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वानोसाइट्स। तो ये क्वानोसाइट्स है रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए। और एक एक और याद रखिएगा, इसमें एक और सेल्स इन्वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं अमीबोसाइट्स। अमीबा याद है ना, अमीबा क्या है? अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले नाम अमीबा का ही याद आता है। अमीबा है, अमीबा क्या बनाता है? स्यूडोपोडिया बनाता है। क्यों बनाता है? खाना लेने के लिए, ठीक है, चलने के लिए, लोकोमोशन के लिए। तो ये अमीबोसाइट्स, अमीबोसाइट्स इज आल्सो रिलेटेड विथ डाइजेशन। तो डाइजेशन ऑफ फूड के लिए दो इंपॉर्टेंट सेल्स है गाइस, क्वानोसाइट्स एंड अमीबोसाइट्स। अब बात कर रहे हैं फूड रिजर्व, खाना बना लिया, ठीक है, खाना बनाने के बाद फूड को रिजर्व भी रखना है क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो फूड रिजर्व होता है हमारे थीजोसाइट्स में। थीजोसाइट्स वो सेल्स हैं जिस जो कि फूड को रिजर्व करते हैं। तो इस तरह हम लोग देखिए कितने सारे सेल्स जानते जा रहे हैं ना। देखिए क्वानोसाइट्स का नाम हमने जाना, अमीबोसाइट्स का नाम जाना, थीजोसाइट्स का नाम जाना, अभी और आएंगे, आर्कियोसाइट्स आएंगे, ट्रोफोसाइट्स आएंगे, ट्रोफोसाइट्स आएंगे। तो वो सारे जो सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का हम धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। नाउ फूड रिजर्व के लिए थीजोसाइट्स हैं। वाटर कैनाल सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पोरिफेरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमको अलग से भी पढ़ना है गाइस। वाटर कैनाल सिस्टम, तीन तरह का वाटर कैनाल सिस्टम है स्पॉन्जेस में। एक है आपका एस्कॉन टाइप, दूसरा है साइकन टाइप और तीसरा है लीकन टाइप। एक और टाइप है रेगॉन टाइप, ये भी बताऊंगी, ठीक है। तो एस्कॉन टाइप जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम होता है। साइकन टाइप जो होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स देन एस्कॉन टाइप बट सिंपलर देन ल्यूकॉन टाइप। और ल्यूकॉन टाइप जो होता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है। एस्कॉन टाइप जो होता है ये सिंपल, ये जो हो गया, ये ल्यूकोसोलेना में सिंपल ऑस्टिया, और ऑस्टिया के बाद ये इनलेट, पानी का इनलेट होगा, फिर ये ऑस्कुलम। ये इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये पीजीटी के सिलेबस में, जेएसएससी के पीजीटी के सिलेबस में इसमें अलग से ये टॉपिक दिया हुआ है कैनाल सिस्टम, तो इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करके स्पेशली इसका एक क्लास मैं लूंगी गाइज, जिसमें आपका वाटर कैनाल सिस्टम सिर्फ होगा, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। तो अभी इसमें जानिए कि एस्कॉन टाइप सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है जो कि ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। ब्रॉड उसका आउटलाइन क्या है कि पानी जो है वो ऑस्टिया के थ्रू इंट्री करता है और ये ऑस्कुलम, फिर ये पूरी बॉडी में या पारा गैस्ट्रिक कैविटी में रहता है, जो भी इसको काम करना होता है कहता है उसका, फिर ऑस्कुलम के द्वारा पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। ये हो गया एस्कॉन टाइप जो कि पाया जाता है किसमें? ल्यूकोसोलेनिया। क्वेश्चन पूछा जाता है इन ल्यूकोसोलेनिया विच टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम इज फाउंड, ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा एस्कॉन टाइप, साइकन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, रेगॉन टाइप। तो आपके पास अगर आपको नॉलेज है तो आप इजीली बता सकते हैं कि इन ल्यूकोसोलेनिया एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड। नाउ सेकंड टाइप होता है साइकॉन टाइप। साइकॉन टाइप क्या होता है, किसमें पाया जाता है? स्काइफा और ग्रैंडशिया में। तो साइकॉन जो है इसमें क्या होता है, बॉडी वॉल जो होता है, यहाँ ये सिंपल बॉडी वॉल है एस्कॉन में, साइकॉन में बॉडी वॉल जो होता है वो फोल्डेड हो जाता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि और क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं जब हम कैनाल सिस्टम डिस्कस करेंगे। अभी क्या है कि इसमें एस्कॉन टाइप में बॉडी वॉल जो है वो सिंगल होता है, अनफोल्डेड होता है, जबकि साइकॉन टाइप में बॉडी वॉल जो होता है वो फोल्डेड हो जाता है। फिर उसमें हम लोग इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल, प्रोजोपाइल्स, एपोपाइल्स, ये सारा कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया साइकन में, और साइकन का एग्जांपल कौन कौन सा है गाइज, हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे सिर्फ वो पोर्शन जिसमें क्वेश्चन आते हैं। हमको यहाँ पे बीएससी या एमएससी का लंबा लंबा क्वेश्चन हम लोगों को नहीं लिखना है, वही चीज़ बातें करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पकड़ता है गाइज। अगर हम बहुत लंबा खींचेंगे तो हमारा क्या है, सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा नहीं, और हमको क्या क्या करना है, टू द पॉइंट बात करनी है। तो क्वेश्चन आता है इन साइकन, किस तरह का साइकन, साइकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो आपको इसका एग्जाम्पल्स याद करना होगा। स्काइफा, देखिए गाइज एक और क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट पूछता है कि आपको कॉमन नेम दे देगा स्पॉन्जेस का, जैसे अर्न स्पॉन्ज, ठीक है, फिर आपको पूछेगा बाथ स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फिर आपको पूछेगा वीनस फ्लावर बास्केट। ये सारे स्पॉन्जेस हैं, इन सारे स्पॉन्जेस का
ये कॉमन नेम आपको दे देगा, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, ये क्वेश्चंस आते हैं गाइज। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन से पोर्शन से कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, और वो ही उसके अकॉर्डिंगली ही तैयारी करनी है। तो देखिए यहाँ पे मुझे याद आ गया कि स्काइफा, इसको अर्न स्पॉन्ज भी कहते हैं क्योंकि ये घड़े की आकृति का होता है। तो अर्न का मतलब होता है घड़ा, तो अर्न की आकृति का होता है इसीलिए इसको बोलते हैं अर्न स्पॉन्ज। ठीक है, तो साइकन होता है अर्न स्पॉन्ज, सॉरी स्काइफा होता है अर्न स्पॉन्ज। फिर इसका एक और एग्जांपल है ग्रैंटिया। ठीक है, तो ये ग्रैंटिया और स्काइफा, इसका याद रखिएगा। फिर आपका है ल्यूकॉन, तो ल्यूकॉन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इस ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है इसमें इतना ज़्यादा फोल्डिंग हो जाता है कि ये जो स्पॉन्जोसील वाला जो कैविटी है, देखिए एस्कॉन टाइप में स्पॉन्जोसील ऐसा रहेगा, फिर आपका जो है साइकॉन टाइप में क्या होता है कि चूंकि फोल्डिंग हो जाता है तो इस तरह का आपका जो है स्पॉन्जोसील इस तरह से हो जाता है इतना जगह। अब क्या होता है ल्यूकॉन टाइप में क्या होता है, फोल्डिंग इतना ज़्यादा हो जाता है कि खाली छोटा सा थोड़ा सा जो होता है ये जगह बचता है स्पॉन्जोसील के लिए। ठीक है, इतना फोल्डिंग, ये आगे और हम लोग पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा फोल्डिंग हो जाता है। तो ये हो गया आपका ल्यूकॉन टाइप में कि इसमें और ज़्यादा बॉडी का जो वॉल है और ज़्यादा फोल्डेड हो जाता है, इसकी वजह से ये सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप होता है। तो ये किस में मिलता है, स्पॉन्जिला में और यू स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिला जिसको कि हम लोग फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं और यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। यू स्पॉन्जिया कभी भी कोई भी चीज़, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। ठीक है, ट्रू, यू मतलब ट्रू, तो और ट्रू से याद रखना है, यू मतलब ट्रू स्पॉन्जेस, ट्रू उसको बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, इसका आगे जाकर के थोड़ा सा आपको एक आध हम न्यूमोनिक्स एक दे देंगे जिससे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि ये सब इसका कॉमन नेम क्या है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो ये यू स्पॉन्जिया है जिसको कि हम लोग बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, और बाथ स्पॉन्ज जो है ये ल्यूकॉन टाइप। देखिए ल्यूकॉन टाइप मिलता है एडल्ट में। ठीक है, अब क्या है, एक इसी में अगर जिसमें भी ल्यूकॉन टाइप मिलेगा इसमें इसके लार्वल फॉर्म में रेगॉन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाएगा। जिसके भी एडल्ट में ल्यूकॉन टाइप रहेगा उसके लार्वल फॉर्म में रेगॉन टाइप रहेगा वाटर कैनाल सिस्टम। तो चार तरह का मतलब मेजर तीन तरह का है, लेकिन चौथा जो है वो लार्वल फॉर्म में पाया जाता है, उसको बोलते हैं रेगॉन टाइप ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये ल्यूकॉन वाला जो ग्रुप है उसके लार्वा स्टेज में पाया जाएगा, रेगॉन टाइप ऑफ वाटर वैस्कुलर वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो ये वाला भी ध्यान रखिएगा कि ये किस में मिलेगा, तो जो ल्यूकॉन वाले स्पॉन्जेस हैं उनका ये लार्वल फॉर्म में मिलेगा। गाइज आगे के क्लासेस में हम लोग फाइलम पोरीफेरा से और ज़्यादा उसके बारे में और डिस्कस करेंगे, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और आगे के क्लासेस में इसका जो और आगे जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, अभी बहुत बचा हुआ है, तो इसको हम लोग आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज़।